अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शकर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा शर्मा ने नफरती बयान करने का एक समझो एक ठेका ले चुके हैं। वो नफरती बयान करते हुए नहीं थक रहे हैं। कर्नाटका में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उनके राज में आसाम में 600 से ज़्यादा मदरसों को, दीनी मदरसों को बंद किया गया है। ये मेरी कारदगी है और आगे भी हम बंद करेंगे। और इस तरह से लोगों को पढ़ने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, ना कि दीनी मदरसे की। इस तरह का ये बयान जो आसाम के चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, ये उन लोगों को देख चुके हैं जो हमारे माशरे में मुसलमानों के रहनुमा की बात तो करते हैं, बड़े बड़े बातें तो करते हैं, मुसलमानों की तरफ से खड़ने वाले लीडरों की जानिब से बहुत बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से ज़िफ़र है। मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाले मुस्लिम लीडर पूरी तरह से ज़िफ़र है, कोई काम में वो आगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कौम को नुकसान देते हुए आए हैं। और यही वजह है कि हेमंत बसवा जैसे लोग अब खड़े हो रहे हैं और दीनी मदरसों के ऊपर बात हो रही है। आज हमारे बच्चों को काश हम दीनी मदरसों में डाला होता। आज हम जिस तरह से एजुकेशन के नाम पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम दीनी तालीम भी दिए हो रहे तो यकीनन आज ऐसे लोग खड़े नहीं होते। बहरहाल, इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने हेमंत बसवा शर्मा को जवाब दिया और उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं। सुन जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है एक अहम मौजू पर जो है बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं। जिस तरह से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा ने कर्नाटका में एक मीटिंग के दौरान कहा कि जिस तरह से असम में 600 से ज़्यादा मदरसों को बंद किया गया है और एक बहुत बड़े उनको उसको जो है कामयाबी मान रहे हैं वो, और आगे भी बंद किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से सारे मुल्क में मुसलमान अपने आप को जो है मुसलमान होने की जो है खुशखबरी सुनाते हैं या गर्व करते हैं, वैसे ही सारे हिंदुस्तान में हम ऐसे हिंदुओं को पैदा करेंगे जो हिंदू होने पर गर्व करेंगे। इस तरह की भाषा, इस तरह की बोल और इस तरह की बातें, आप क्या समझते हैं हमारे इस मुल्क में जो अमन का जो माहौल चल रहा है, इसको कितना बड़ा खतरा है? ना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, ये हेमंत बसवा शर्मा ने जो कुछ कहा है कि उन्होंने 600 दीनी मदारिस को बंद किया है, और ये बात भी कही है कि इस रियासत से तमाम दीनी मदारिस के वजूद को ख़त्म करके रख देंगे, तो ये और इस तरह के जो इकदाम उन्होंने किए हैं, कम सनी यानी छोटी उम्र में शादी करने के, उन्होंने पर हज़ारों मुसलमानों को कैद करके रखा है। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो है बांग्लादेश से मुसलमान जो है आसाम में घुस कर आते हैं, तो क्या हमारे मुल्क के जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को सताने, उन पर जुर्म ढाने के लिए एक उनका हथकंडे के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात उन्होंने जो कही है कि जो है जिस तरीके से मुसलमान तमाम दुनिया में अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र का इजहार करते हैं, हम उन हिंदुओं को पैदा करना चाहते हैं जो इस बात पर फ़ख्र करें, इस मुल्क में इस बात पर फ़ख्र कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं। अब जो है बात यह होती कि दीनी मदारिस पर को बंद करने से क्या होगा, जबकि जो है उनकी शाखाएँ चलती हैं, पाठशालाएँ उनके चलाए जा रहे हैं, और हज़ारों लाखों जो है उनके अपने जो तंजीमें हैं हिंदुओं की, संघ परिवार की, वो तंजीमें काम कर रही हैं। उनका जो है मकसद क्या है, उनका एजेंडा क्या है, आप हम देख रहे हैं। उनके पाठशालाओं में क्या सिखाया जा रहा है और दीनी मदारिस में क्या सिखाया जा रहा है, वो कौन सी चीज़ होगी, वो कौन सी बुनियाद होगी जिससे इंसान जो है को फ़ख्र करेगी कि जो हम मुसलमानों पर ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। दुनिया इस फ़ख्र को जो है तस्लीम करती है, कबूल करती है, तो आपको अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर जो है आप एक जो है हिंदू होने पर फ़ख्र कर सकें, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल यही है। अब देखिए, इस्लाम जो है के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले ये सोच लें कि इस्लाम के दीनी मदरसों में या हम मुसलमानों को तालीम का क्या हुक्म दिया गया है। अल्लाह सल्लम से इरशाद फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो, खा उसके लिए तुमको चीन भी क्यों ना जाना पड़े, और इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो है
ये सिखाया क्या जाता है दीनी मदारिस में, या मुसलमानों को सिखाया क्या जाता है? अल्लाह के खालिक के हकीकी होने का इल्म, वो ईमान, और रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, और जो है हमारे नबी आखर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानों के ताख़ेमत रहमतुल आलमीन हैं, उनके पैगंबर हैं, और इन पर जो किताब हिदायत नाजिल की गई वो कुरान मजीद है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना ज़िंदगी के तमाम शोबों में तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई करता है, और कुरान तमाम लोगों के लिए किताब हिदायत है। अब हम देखिए ज़िंदगी का जो फ़र्क जो होता है वो कहाँ से इंसान को ऊंचाई पर पहुंचाता है, कहाँ पर ज़िल्लत पर पहुंचा देता है, ये फ़र्क दुनिया इसको महसूस करती है। चलिए आप हम जो है थोड़ा पीछे चलें, कोविड के मौसम में दुनिया ने ये देख लिया कि तमाम जो है हिंदू लोग, जिनको हिंदू पर फ़ख्र था, गर्व जिसको कहते हैं हिंदी में आप लोग, तो जो है वो लोग मर रहे थे। कोई भी जो है बेटा या शौहर अपनी बीवी को जो है जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। बाप मर जाए तो बेटा तैयार नहीं था, बीवी मर जाए तो जी उसका शौहर तैयार नहीं था। ये तमाम रिश्ते जो है पूरे बेअसर होकर रह गए थे। उस माहौल में हमारे मुसलमान नौजवान आगे निकले, बाहर आए, उन्होंने तमाम लोगों का अंतिम संस्कार किया उनके हिंदू रिवायतों के मुताबिक। जो कभी मुश्किल का मसला आता है, मुसलमान आगे बढ़ते हैं, और हम हाल ही में हमने देखा कि हैदराबाद में जो पानी वगैरह जो जब आया था, मुसलमानों ने जो है बिला लिहाज मजहब मेरे तमाम लोगों की खिदमत की, और इन हिंदू बस्तियों में, उन कॉलोनी में गए जहाँ पर वो पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। मुसलमानों ने दीवारों पर चढ़कर, एक दूसरे के खानों पर चढ़कर उन तक खाना पहुँचाया, पानी पहुँचाया, दवाएँ पहुँचाई। तो ये जो है हमारी, हमको अल्लाह का जो हुक्म है उस पर हम अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो है वो पड़ोसी जो है उसका खाना हराम है जब तक कि उसका पड़ोसी भूखा रहेगा। यानी पड़ोसी के लिए मुसलमानों को शर्त नहीं है उसके इज़ा से जो है परेशान ना हो, बल्कि उससे मोहब्बत का सलूक किया जाए, बड़ों का जो है अदब किया जाए, एहतराम किया जाए, पड़ोसियों के साथ मोहब्बत से रहे, खुलूस से रहें, हर एक का अदब एहतराम करें। ये हमको हमारा दिन सिखाता है। हाँ, वो औरतें क्यों ना हो, औरतों का अदब एहतराम करें, इसके लिए अल्लाह हमको ये हुक्म देता है कि तुम जो है औरत का एहतराम इस अंदाज से करो कि अपनी निगाहों को तुम नीचे रखो, उनका अदब एहतराम करो, उनकी बेइज्जती ना करो। अब दुनिया ये देख रही है कि वो हिंदुओं के वो वीर, वो बहादुर जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो फौजी अहदेदारान जो हिंदू राष्ट्र के, वो लोग जो है वीर जिसको लोग कहते हैं कि जो है, वो लोग क्या कर रहे थे? वो अपने जो है घरों में, अपने जो है कमरों में छुपकर बैठे हुए थे। वो किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए बाहर नहीं आए, किसी की मदद करने, किसी हिंदू की मदद करने के लिए नहीं आए, और जो है किसी को खाना पहुँचाने के लिए नहीं आए, किसी पानी पहुँचाने के लिए नहीं आए। हाँ, अगर कब निकलते हैं वो लोग, किसी मुसलमान को गांव रक्षक के नाम पर जुल्म करने के लिए बाहर निकल और कत्ल करना है तो 25-30-50-100 आदमी आ जाएंगे, उनके घरों पर हमला कर देंगे और बोलेंगे जब बोलो जय श्री राम, बोल के उसको और उसको मार मार के ख़त्म कर देंगे। तो आपका जो है ये अंदाज़ का आपको इंसान साबित करता है या नहीं करता है? और दूसरी बात, हाल ही में आपने, हमने ये देखा कि गैर मुल्की खवातीन ने ये बात कही कि उन पर शिकायत की हुकूमत से कि जो है होली के नाम पर उनके साथ बदसलूकी की, शौहर के सामने उसकी बीवी की बदसलूकी की गई, उसके जिस्म को छुआ गया, बहुत कुछ किया गया उसके साथ। और जो है हमें देखते हैं कि आपकी तहजीब को खजुराहो के क्या है, कैसी औरत की इज्जत की जा रही है, अजंता में कैसी औरत की इज्जत की जा रही है, एल्लोरा में औरत की क्या इज्जत की जा रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दुनिया इसको देख रही है। तो फिर ऊंचा होने के लिए, फ़ख्र करने के लिए आपको क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, क्या इंसान बनना पड़ेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, हेमंत बसव शर्मा ने भी ये कहा और मोहन भागवत ने भी ये कहा कि जो है हम को जो है बहुत कुछ करना है, हमारी किताबों में तब्दीली करनी, पहले भी तब्दीली की गई है, कुछ चीज़ निकाली गई, कुछ चीज़ शामिल की गई, अब भी हमको तब्दीली करने की ज़रूरत है। अब जो है, अब ये बात तय करना है हेमंत बसव शर्मा और राम जतन मांझी को तय करना है। राम जतन मांझी ने ये कहा कि जो है इस रामायण में, वाल्मीकि जी के रामायण में जो है रावण का जो है बड़ा बेहतरीन, बड़ा जो है उसका जो किरदार बहुत बड़ा है, रामचंद्र जी का नहीं है। अभी आप लोग तय कर रहे हैं आप कि वाल्मीकि की रामायण सही है, तुलसीदास की रामायण सही है, या जो है मनु का शास्त्र सही है, क्या चीज़ निकालेंगे, क्या चीज़ शामिल करेंगे, ये आप लोगों को तय करने की ज़रूरत है। निकालने के बाद आप इसको दुनिया को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, खुद आपकी कौम इसको कबूल करेंगे नहीं करेंगी, आपको देखना तय करना है। तो ये जो है
आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। इस मुल्क के आज़ाद होने के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा कि इस मुल्क में ऐसी हुक्मरानी की ज़रूरत है। उन्होंने मिसाल दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं की जैसी तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है। मुझे अफसोस है, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है हिंदू मज़हब में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलती मैं जिनकी मिसाल है उनके तर्ज हुक्मरानी की आपको मिसाल दे सकूँ। ये मैंने कह रहा हूँ, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। क्यों कहा है आप लोग खुद गौर कर लें। और दूसरी बात यह है कि जो है कट्टर इस्लाम दुश्मनों ने जो है इस दुनिया के सब बासर शख्सियतों पर एक मबनी किताब लिखी, कोई मुसलमान ने नहीं लिखी, कट्टर इस्लाम दुश्मनों ने लिखी। और उस बात पर मजबूर हुए कि सबसे पहला मुकाम मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाए, उस मुकाम पर उन्हें रखा जाए। तो क्या वजह है ये, इस्लाम को जो है दुश्मन भी कबूल करते हैं, उसका एतराफ़ करते हैं और इसकी वजह से मुसलमान फ़ख्र से कहता कि आप मुसलमान हैं। इसलिए कि आपको जो है अपनी बात को जो है समझने की ज़रूरत है कि आपको किस अंदाज को किस तर्ज को इख्तियार करने की ज़रूरत है। आप इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर कब तक अपने हिंदू मजहब को ज़िंदा रख सकेंगे, कब तक आप अपने जो है सियासत चलाते रहेंगे। क्या जो है इस्लाम दीनी मदारिस को बंद करने से क्या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? आप अपने मदरसों में जो तरबियत कर रहे हैं, आप अपने जो है पाठशालाओं में आपने जो है शाखाओं में जो तरबियत कर रहे हैं कि इंसानों को मारो, उनको काटो, उनको जो है जला दो, जिंदा जला दो, जुनैद नासर को जिंदा जला दो गौरक्षक के नाम पर। और अब आपका मतलब ये है कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो है हम हलाल के मुकम्मल तरीके से मुल्क को ख़त्म करके रख देंगे हलाल के ज़बीहे को। तो फिर हलाल का कारोबार, फिर आप गोश्त का कारोबार आप लोग क्यों कर रहे भाई? सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में आप गोश्त बेचने में नंबर वन पोजीशन पर जो है इंडिया आ गया है। आप बेच रहे हैं, मुस्लिम मालिक उस वक्त तक गोश्त नहीं खरीदता कि जब तक के उनको इस बात का जो है ईमान है, उनको जो है यकीन ना हो जाए कि ये हलाल है। हलाल का सर्टिफिकेट आप खुद देते, फिर आप बोल रहे कि हम हलाल को ख़त्म करके रख देंगे। कारोबार करने वाले लोग आप, माँ बोलने वाले आप लोग, गोवा में माने माने वाले आप लोग हैं। यही वो तर्ज है जो आपको बेविकत करके रख रहा है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने आप को जो फ़ख्र से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान बनना सीखिए। वो इंसानियत आपको इस्लाम सिखाता है। और कोई ऐसा दावा आप करो जिसकी कोई दलील ना दे सको तो फिर जो है आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको इस बात का मशवरा देता हूँ कि दुनिया में जो है जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई किताब कुरान है, वो किताब हिदायत है। और इस बात का चैलेंज करती उन लोगों को जो इस अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और कुरान पर ईमान नहीं लाते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, तो वो उनको ये चैलेंज करती है ये किताब कि तुम इसके जैसा एक सूरह बना लाओ या कम से कम एक जो है 10 आयतें बना लाओ या 3 आयतें बना लाओ। ऐसा करने के लिए तुम अपने भगवानों को जो है मदद दे लो, तुम अगर सच्चे हो तो कर दिखाओ। तो नहीं दिखा सकते अगर तुम जो दावा करते हो उसकी दलील नहीं दे सकते। तो इस मुल्क में अमन अगर चाहते हैं, शांति अगर चाहते हैं, लोगों की तरक्की अगर चाहते हैं, इंसानों को रुतबा मुकाम देना चाहते हैं, किसी को सर से पदा किसी को पैर से पदा नहीं समझना चाहते, और तो जी आपको चाहिए कि आप इस्लाम की तालीमात को पढ़ें, सीखें, समझें, उस पर अमल पर रहो, तो ये दुनिया जो अमल बन सकता है, अमन जो गवारा बन सकती है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है। वरना आपके इस किस्म की जो हरकतों से दुनिया पर हंस रही है, आपको जो है पागल समझ रही है, कहीं आपका एक मौक़िफ़ नहीं हो सकता। तो फिर जो है आपको ये चाहिए कि फ़ख्र दुनिया में फ़ख्र हासिल करने के लिए सबसे पहले इंसानियत की इस तालीमात को, इस मोहसिन इंसानियत पर जो आपको ईमान लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अल्लाह आपको इस बात की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618
5082 7